प्राकृतिक आपदा के दौरान शिमला के समर हिल शिव बावड़ी मंदिर हादसे का शिकार हुए प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा समेत अन्य लोगों को रविवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही बिलासपुर में उनकी आत्मिक शांति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर छात्र पाठशाला रोड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहन लाल केस्टा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस हादसे का गहरा दुख प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर काल का ग्रास बने सभी लोगों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई, साथ ही उनके परिजनों से संवेदना भी जताई गई। एकदम दिवंगत आत्मा डॉक्टर पीएल शर्मा और उनकी धर्म पत्नी और पुत्र, साथ में हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर मानसी और उनके पति हरीश, उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। दोनों कार्यकर्ता विद्या भारती के साथ पिछले 7-8 वर्षों से जुड़े हुए थे। उनका व्यक्तित्व डॉक्टर पीएल शर्मा जी का एक बहुत बड़े शिक्षाविद और साथ में बहुत ही सरल और साधारण सा स्वभाव, मृदुभाषी और विद्या भारती की दृष्टि से शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो योगदान है, विद्या भारती और विद्या भारती परिवार सदैव उनके योगदान को स्मरण करती रहेगी। आज हमारे मध्य में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसी दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और उनकी आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में शांति प्रदान हो। विद्या भारती उनके योगदान को सदैव। गौर हो कि इस बार प्रदेश में आए मानसून ने जहां भारी तबाही मचाई, वहीं इस मानसून के कहर ने कई लोगों का जीवन भी ले लिया, जिसमें प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा समेत कई लोगों का परिवार खत्म हो गया। आपदा के शिकार हुए इन सभी लोगों की आत्मिक शांति के लिए बिलासपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।